हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य से अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आगे जो एग्जाम्स होंगे आपके उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका ये पार्ट चार है। इससे पहले तीन पार्ट हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हिंदी साहित्य के नाम से। हिंदी व्याकरण का भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी चैनल पे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम उसी स्टाइल में करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको करीब 3 सेकेंड का टाइम दूंगा। अगर आप चाहें तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि जो ग्रंथ जो है वो रचना है हरिदास निरंजनी की, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, निरंजनी संप्रदाय जो था ये उसके रचनाकार है, ठीक है। और इनका जो निरंजनी संप्रदाय का जो नामकरण है वो इसके संस्थापक स्वामी निरंजन भगवान के नाम पर हुआ है। इसमें करीब 12 लोग थे जिसमें से लपट्टियो जगन्नाथ दास, कान्हड़दास, शेमदास, जगजीवन आनंददास, मोहनदास, श्यामदास, ध्यानदास, नाथ, तुलसीदास, पूर्णदास और हरिदास, इतने लोग ये आपके निरंजन संप्रदाय में थे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हरिदास निरंजनी जो है वो संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी कविताओं का संग्रह जो है वो श्री हरिपुरुष जी की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। ध्यान रखें आप, निपट निरंजन महान सिद्ध थे और इनके नाम पर 2 ग्रंथ शांत सरसी और निरंजन संग्रह प्रसिद्ध हैं। भगवान दास निरंजनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें से अमृतधारा, प्रेम पदार्थ, गीता महात्मय उल्लेखनीय है। इन्होंने भर्तहरि शतक का हिंदी अनुवाद भी किया था। इसके अलावा जो तुलसीदास निरंजनी संप्रदाय के सबसे समर्थ कवि थे, इन्होंने 4202 साखियों, 461 पदों और 4 छोटी छोटी रचनाओं का संग्रह जो है वो पीताम्बर दत्त ब्रथवाल द्वारा किया था। और सेवादास की 3561 साखियों, 802 पदों और 399 कुंडलियों और 10 ग्रंथों का उल्लेख इन्होंने किया है। निरंजनी संप्रदाय में कई अच्छे और समर्थ कवि हुए हैं। इनकी रचनाएं अच्छी कवित्व शक्ति की परिचायक हैं। तो इनकी प्रमुख रूप से हमें रचनाओं पर मैं ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी जो है इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और इन्होंने 10 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 9 व्यंग संग्रह, 2 विनिबंध, 1 आलोचना पुस्तक इनकी ये प्रमुख जो इन्होंने लिखा है। इनका जो सबसे पहला उपन्यास था सूनी घाटी का सूरज, ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो सबसे लोकप्रिय उपन्यास वो राग दरबारी है, 1968 में ये छपा था। और राग दरबारी का 15 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। और जो राग बराग है ये आपका श्रीलाल शुक्ल जी का आखिरी उपन्यास था। तो हिंदी साहित्य को इन्होंने कुल मिलाकर 25 रचनाएं दी हैं। इनमें से मकान, पहला पड़ाव, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगला, और इनके बारे में और जो प्रमुख रचनाओं के अलावा जो इनकी रचनाएं हैं जैसे सूनी घाट का सूरज, इन सबके जो प्रकाशन वर्ष हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अज्ञातवास 1962 में आया था, राग दरबारी 1968 में, आदमी का जहर 1972 में, देखिए सीरियल से आपको ये मिल जाएंगी। सीमाएं टूटती हैं 1973 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में, बब्बर सिंह और उसके साथ ही 1999 में, राग बराग 2001 में, यह घर मेरी नहीं 1979 में आया था, सुरक्षा और अन्य कहानियां 1951 में आया था, इस उम्र में 2003 में, 10 प्रतिनिधि कहानियां 2003 में। अच्छा, इनकी जो व्यंग रचनाएं हैं वो काफी पॉपुलर हैं, जैसे अंगद का पांव था 1958 में आया था, यहां से बहा 1970 में, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979 में, उमराव नगर में कुछ दिन 1986 में, कुछ जमीन में कुछ हवा में 1990 में, आओ बैठ लें कुछ देर तो ये 1995 में, अगली शताब्दी का शहर 1996 में, जहालत के 50 साल 2003 में, खबरों की जुगाली 2005 में, और आलोचना जो है इनकी वो है अज्ञेय कुछ रंग कुछ राग 1999 में। तो ये इनकी सारी जो रचनाएं हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरेडवाड़ी के रचयिता हैं? तो हरेडवाड़ी के जो रचयिता हैं वो हैं दादू दयाल। देखिए, दादू दयाल जो है इनका जीवन काल 1544 से 1603 रहा है और हिंदी के भक्ति काल की जो ज्ञानाश्रीय शाखा है उसके प्रमुख संत कवि थे। इनके 52 पट शिष्य थे,
ठीक है, जिनमें से गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना ये मुख्य हैं, ठीक है। और इनके नाम से ही जो है आपका दादू पंथ चला है, और ये दादू नाम इनका अत्यधिक दयालु होने के कारण पड़ा था, और ये हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। और इन्होंने शबद और साखी लिखी, इनकी रचना का जो रचना प्रेम भावपूर्ण होती है। जात पात के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर इनके पद तर्क प्रेरित ना होकर हृदय प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है वो है हमारी रचना अवहट्ट की, और कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है, ठीक है। किसकी है? विद्यापति की है, ठीक है। महाकवि जो विद्यापति हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, और लेकिन इनकी जो अधिकांश रचनाएं वो संस्कृत और अवहट्ट में ही है, ठीक है। तो ऐसे वे ऐसे समय में हुई जब चिंतन की भाषा संस्कृत और साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश थी, ठीक है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी अभट्ट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह की जो वीरता है, मतलब कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह के आश्रयदाता थे, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन इन्होंने किया है। परवर्ती अपभ्रंश को ही संभवतः विद्यापति ने अभट्ट कहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में जो रूप है वो है आपका उर्दू है, उर्दू। नेक्स्ट है, कमलेश्वर के किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है? देखिए, कमलेश्वर का जो उपन्यास है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ये सुबह दोपहर शाम जो है इसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। और इनके बारे में और जान लेते हैं हम। देखिए, इनका जो सबसे पॉपुलर जो था वो था कितने पाकिस्तान उपन्यास, ठीक है, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और इनकी इनका भारतीय राजनीति का चेहरा दिखाती फिल्म आंधी, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इन्होंने पटकथा भी लिखी है फिल्मों में, कई इनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं, और मुंबई में इन्होंने टीवी पत्रकारिता भी करी है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों, मजदूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया को अपनी आवाज भी दी है। फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी हैं, उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं, आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं ये इनकी कलम से ही लिखी गई हैं, ठीक है। और जो चंद्रकांता लोकप्रिय टीवी सीरियल है, और दर्पण जो टीवी सीरियल है, एक कहानी जैसे धारावाहिकों की जो पटकथा है वो भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। तो ये है आपका कितने पाकिस्तान, इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया था। अगला है, तत्वदीप निबंध के लेखक हैं। तत्वदीप निबंध के जो लेखक हैं वो हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कामिनी करे सयाने, हृदय हनय पंचवाने, पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये है विद्यापति की, ठीक है, विद्यापति की। अगला है, 22वीं सदी उपन्यास किसका है? तो 22वीं सदी जो उपन्यास है वो है राहुल संकृतायन का, राहुल संकृतायन का। राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने हिंदी का जो पहला कवि है वो माना है सरहपा को, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संदेश डऊ सबित सबित थरऊ पई मई कहड़ो न जाई पंक्ति के रचनाकार, तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो है अद्दहमाण। और अद्दहमाण, देखिए, जो अब्दुल रहमान का नाम था, इन्होंने संदेश रासक नामक एक प्रसिद्ध काव्य की भी रचना करी है, संदेश रासक। रघुवीर सहाय की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए, रघुवीर सहाय जो है, इनकी लोग भूल गए हैं इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत बहुत अच्छी इनकी ये बहुत मतलब फेमस कृति ये थी। हिंदी के विख्यात साहित्यकार रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, और इन्हें 1984 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रघुवीर सहाय किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो ये जो पत्रिका है वो है दिनमान। कुंवर नारायण को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? कुंवर
कुंवर नारायण को वर्ष 2009 में पद्म भूषण से नवाजा गया और ये 2005 का इनको पद्म भूषण दिया गया था। कविता संग्रह इनके हैं चक्रव्यूह 1956 में आया था, तीसरा सप्तक 59 में आया था, परिवेश हम तुम 61 में आया था, आमने सामने अपने सामने 79 में आया था, कोई दूसरा नहीं 93 में आया, इन दिनों 2002 में आया, कविता के बहाने ये भी आपका 93 में आया, खंड काव्य जो है इनके वो है आत्मजयी जो 1965 में आया, बाजश्रवा के बहाने 2008 में आया, कहानी संग्रह है इनका आकारों के आसपास ये 1973 में आया, समीक्षा विचार जो है आज और आज से पहले 1998 में आया, मेरे साक्षात्कार 99 में आया, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ ये 2003 में आया। इनका जो संकलन है वो है कुंवर नारायण संसार जो कुछ चुने हुए लेखों का संग्रह है, 2002 में आया था, कुंवर नारायण उपस्थिति ये भी आपका चुने हुए लेखों का संग्रह है जो आपका 2002 में आया था, इसके बाद कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं 2007 में और कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008 में, तो ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे, तो ये तो आंसर समझ में आ गया होगा आपका, ये है आपका दूसरा सप्तक, दूसरे सप्तक के कवि थे रघुवीर सहाय, दूसरे सप्तक के कवि थे। तो ये थे हमारे करीब 15 क्वेश्चन हम डेली इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और आगे आपको कंटिन्यू ये वीडियो मिलते जाएंगे, वो करीब 1000 से 1500 क्वेश्चन जो हैं वो अब हम इसमें कंटिन्यू आपको डेली बेसिस पे हम इसको डिस्कस किया करेंगे, और जो वीडियोज हैं आपके ये MPTET हो गया आपका एग्जाम या UPTET हो गया या साहित्य से संबंधित कोई सा भी आपका एग्जाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल UGC NET का जो पेपर होता है ठीक है ना, तो उनके लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, थैंक यू।